हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक अनोखा सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं और यह है सेल्फ टॉट आर्टिस्ट के बारे में, जो मुझे काफ़ी सारे सिफारिश यानी कि मेरे फ्रेंड सर्कल ने रिक्वेस्ट करी है कि आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट के बारे में बताइए। क्या सेल्फ टॉट आर्टिस्ट को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या कुछ बड़े आर्टिस्ट सेल्फ टॉट आर्टिस्ट को आर्टिस्ट का दर्जा देने से मना कर देते हैं या आर्टिस्ट को वो रेस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। ये सवाल शायद काफ़ी लोगों के मन में, एक दो नहीं, काफ़ी लोगों के मन में। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, देर इज़ नथिंग कॉल्ड सेल्फ टॉट। अगर सेल्फ टॉट या सर्टिफाइड आर्टिस्ट, ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रिज है एक्चुअली, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एज फार एज आर्ट इज कंसर्न, बिकॉज ये बोलना बहुत मुश्किल है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आया है। दैट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, बिकॉज सेल्फ टॉट से ही सारे ये आर्ट कॉलेजेस जो आया हुआ है आज की तारीख में, जो भी आप देख रहे हो विजुअल आर्ट के कॉलेजेस, वो लेक्चर्स, ये कोई सिखाया हुआ विद्या नहीं था किसी का। ये एक किसी ने अपने आप लोगों को ये नॉलेज दान किया है, ये ऊपर वाले का वरदान से आया है और वो चलता गया परंपरा के हिसाब से। तो पहले तो आर्ट परंपरा शिक्षा का एक पार्ट था। आप इस तरह का कोई ग्रेजुएशन या इस तरह का कोई कॉलेज, आर्ट कॉलेजेस नहीं था। तो क्या आर्ट नहीं था उस जमाने में? आर्ट बिल्कुल था और उस आर्ट का आज मान्यता सबसे ज्यादा है। तो सेल्फ टॉट एग्जैक्टली है क्या? क्या आप गुरु शिष्य परंपरा से सीख कर आते हो तो आपको सेल्फ टॉट माना जाए? यस। आज ये सेल्फ टॉट का टर्मिनोलॉजी जो है वो सिर्फ सर्टिफाइड आर्टिस्ट के लिए है और इसीलिए ये दुविधा आ रही है कि सेल्फ टॉट आर्टिस्ट का जो मान है आज, इसका साथ एक डिबेटेबल इशू हो जाता है कि यस, इनको नौकरी तो मिलने से रही, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपको कोई नौकरी आर्ट का देने वाला नहीं है। दैट्स वेरी ट्रूथ। बट आप आर्टिस्ट नहीं हो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कोई कह नहीं सकता है। आज भी दुनिया में 40% से ज़्यादा आर्टिस्ट मेरे ख्याल से जो कोई पारंपरिक केंद्र से शिक्षा ग्रहण करके आया हुआ नहीं है। वैन गॉग से लेकर के मेरे ख्याल से किशन खन्ना है, अपर्णा कौर है, हमारा काफ़ी सारे आर्टिस्ट है, जो भूपेन कक्कड़ जी है। तो इन लोग का कोई पारंपरिक शिक्षा, सर्टिफाइड शिक्षा नहीं है, बट इनको हम बहुत ऊंचे दर्जे के आर्टिस्ट मानते हैं और मानेंगे भी, क्यों नहीं? देख, उन्होंने कामयाब हासिल की है। तो मेरे ये कहना है कि आर्ट इज बेसिकली अ लैंग्वेज। अगर आप खुद के अनोखे लैंग्वेज तैयार कर लेते हो तो उसमें ग्रामर तो ऑटोमेटिक है, उसमें आपको ग्रामर दूसरे से हायर करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इटसेल्फ एज ए ग्रामर। अगर आपका लैंग्वेज तैयार नहीं है, आर्ट कॉलेज जाते हो तो किस लिए जाते हो? आप आर्ट कॉलेज इसलिए जाते हो कि आपका एक ग्रामर तैयार हो जाए और उस ग्रामर को तोड़कर बाहर निकलकर जब आप खुद का लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करते हो तभी आप आर्टिस्ट बनते हो, उससे पहले बिल्कुल आप आर्टिस्ट नहीं बनते हो। दैट इज द रियल फैक्ट। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको वो दरवाज़ा को खोलना है, दिमाग की दरवाज़ा को खोलना है, बाहर निकलना है और अपनी खुद की एक पहचान, एक खुद की एक लैंग्वेज बिल्कुल तैयार करना है और तभी जाके आपको आर्टिस्ट का एक दर्जा मिलता है, उससे पहले आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अगर किसी ने कहीं से भी सीखा हो, अगर वो इंसान अपना लैंग्वेज बना चुका है, तो ग्रामर ढूंढने का काम तो आर्ट क्रिटिक का है। हम क्यों परेशान हुए? ग्रामर तो अपने आप हो जाती है और ग्रामर से कोई बड़ा आर्टिस्ट बना नहीं है। आज दुनिया में ग्रामर को तोड़ना सिखा रहा है। आर्ट कॉलेजेस ग्रामर को लिक्विडिफाई करना कह
कैसे और लिक्विड और सिंपलिस्टिक फॉर्म में जाना सिखा रहा है, जो हमारे यहाँ पारंपरिक शिक्षा रहा है। जो मिनिमलाइजेशन टर्म है, आज 100-200 साल सिर्फ ये मिनिमलाइजेशन टर्म्स के ऊपर वेस्टर्न कंट्री लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे यहाँ सदियों से मिनिमलाइजेशन हो चुका है। आप अगर शिवलिंग की बात करें तो उससे ज़्यादा मिनिमल कोई थॉट प्रोसेस या कोई मतलब स्ट्रक्चर या बनाना कुछ, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, इट्स सो मच ऑफ थॉट। इट्स अगर आप कंसेप्चुअलाइजेशन बोले तो शिवलिंग को ही आप सबसे बड़ा कंसेप्चुअल आर्ट कह सकते हो, और यू नो इट्स सो मच ऑफ थिंग्स इनसाइड इट। सो बात ये नहीं है कि आप पारंपरिक शिक्षा में शिक्षा ग्रहण कर चुके हो या आप किसी आर्ट कॉलेज से पास आउट करते हो या आप खुद ही अपने चर्चे से ही आप आगे बढ़े हो, इससे आपका कोई आर्टिस्टिक कैरियर में फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुनिधि चौहान जो है बहुत बड़ी सिंगर, एक किशोर कुमार जो थे बहुत बड़े सिंगर थे, सारे सर्टिफिकेट थे इन लोग, कहीं कोई स्कूल मास्टर डिग्रीज कुछ नहीं है, ना लता जी को भी मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। सो आज जो इतने सारे इंस्टीट्यूट से सीख कर बाहर आ रहे हैं वो उनको फॉलो करते हैं, यू नो व्हेन भूपेन कक्कर वाज अलाइव लोग उनको हंसते थे उनके ऊपर कि उनको ड्राइंग करना नहीं आता है। आज वही लोग फूल से पूजा करते हैं भूपेन कक्कर की और एग्जांपल देते हैं कि देखो सीखो सिंपलिस्टिक ड्राइंग होता क्या है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप दिल से काम करो, आप अपना क्रिएशन अपना लैंग्वेज बनाने की तैयारी करो एंड डोंट गो विथ व्हाट अदर्स सेज। आर्ट में ये कोई कुछ आपको गाइडेंस नहीं कर सकता है, आपकी गाइडेंस आप खुद करोगे, आपको खुद को चलना है। यस देर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल थिंग्स इनसाइड इट, कुछ आप पढ़ाई करते रहो, आप घूमते रहो, आर्ट देखते रहो, एक स्मॉल डिस्क्रिमिनेशन तो आर्ट और मतलब जैसे कि एक नॉइज है और एक म्यूजिक है, दोनों में फर्क तो है, कहीं ना कहीं हम नॉइज को एक म्यूजिक नहीं कह सकते, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। सिमिलरली आर्ट में भी हर एक चीज को हम मानने को तैयार नहीं है कि आर्ट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ बैरियर तो है, वो जानना बहुत जरूरी है। वो समय के साथ आपके एक्सपीरियंस के साथ आप खुद जान जाओगे कि कहाँ पे किस जगह पे हमें फुल स्टॉप लगानी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।